Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. कुरम एजेंसी में पाक अफगान सरहद के करीब गैर मुल्कियों के अगवा में मुलविस दहशतगर्दों की तलाश। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान बारूदी सुरंग का निशाना बन गए। धमाके में अफसर समेत चार जवान शहीद। कुरम एजेंसी से बाजियाब कैनेडियन जोड़ा भी पाक फौज के गुण गाने लगा। जोशवा बोल कहते हैं कि पाकिस्तानी फौज का ऑपरेशन इंतहाई मुतासर कुन और इंतहाई प्रोफेशनल था। का गोलियों से छलनी हो चुकी थी, ताहम पाक फौज ने बचा लिया। अगवाकारों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं था। And so I can say to you, I did see the truth, and the truth was that car was riddled with bullets. The ISI and the army got between the criminals and the car to make sure that the prisoners were safe and my family was safe. जमहूरियत को पाक फौज से कोई खतरा नहीं। जमहूरियत के बगैर मुल्क तरक्की नहीं करेगा। ये जमहूरियत एक प्रोसेस होता है। जमहूरियत को पाक फौज से कोई खतरा नहीं है, ना ही टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने की बातों में कोई सदाकत है। फौजी तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर दाखला एहसन इकबाल कहते हैं मायूसी को उम्मीद में बदलना होगा, मिलकर काम करेंगे तो ही मुल्क आगे बढ़ेगा। कंधकोट में पुलिस ने दो खवातीन को कारी करने की कोशिश नाकाम बना दी। पुलिस ने खातून को तहवील में ले लिया, दूसरे वालिदैन के पास पहुंच गए। तसादुम में आठ अफराद जख्मी। सवात के इलाके कबल में नाम निहाद गैरत के नाम पर देवर ने भाभी शख्स को कत्ल कर दिया। मुलजिम फरार, मुकदमा दर्ज। रायवंड की निजी टेक्सटाइल मिल में हलाक होने वाले मैनेजर के कत्ल का मुकदमा, फैक्ट्री मालिक समेत 17 मुलजिमान पर दर्ज। कत्ल की ये वारदात मिल में तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाज के दौरान पेश आई। 21 मुलाजमीन गिरफ्तार। कराची में लियाकत आबाद पुल पर ऑयल टैंकर हादसे का शिकार। दीवार से टकराने के बाद टैंकर का तेल बह गया, कई मोटरसाइकिल सवार फिसल गए। पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करके टैंकर को हटा दिया। पुल क्लियर। पत्तोकी में आवाम का रखवाला ही लुटेरों का साथ ही निकला। पुलिस ने छापा मारकर कांस्टेबल समेत 5 डाकू गिरफ्तार कर लिए। नकदी, मोबाइल फोन और असला बरामद। साइलेंट की आसानी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। शहरियों को केसेस से मुतालिक ऑनलाइन मालूमात फरहम की जा रही है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मंसूर अली शाह का विमेन जजेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। सोमालिया के दारुल हुकूमत मोगादिशो में 2 बम धमाकों में 30 अफराद हलाक, 100 जख्मी हो गए। धमाके से होटल और दीगर इमारतें जमींदोज हो गई। कैलिफोर्निया के जंगलात में लगी आग 7 रोज गुजरने के बाद भी बुझाई ना जा सकी। हलाक अफराद की तादाद 40 हो गई। सैकड़ों लापता, 6000 से ज्यादा इमारतें जलकर राख बन गई।